रामसर के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको सिर्फ परचेज करने के लिए इसमें 279 की जगह पर 168 में ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ कूपन कोड है 40% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए सुपरपा 40 दिया हुआ कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज 168 में पड़ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के जितने भी प्रश्न है वो सब मैं कोचिंग में जो पढ़ाता हूं वही सब प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। यदि आप मेरा विश्वास करते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लीजिएगा। अब देखिएगा इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, आप खुद भी ट्राई करिएगा। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न है और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों की संख्या है। चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो भी इंग्लिश से रिलेटेड है वो सब आपको मैं बता सकूँ। टाइम कम है इसीलिए मेरा ध्यान पूरा प्रश्न पर रहेगा, उसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेज आपको आपने याद कर लिया होगा कि देखिएगा कॉक एंड बुल स्टोरी इसका मतलब क्या होता है। कॉक एंड बुल स्टोरी आपने खूब पढ़ा होगा धुआंधार। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कि ऐसी कोई कहानी जो एकदम बेकार की होती है, मनगढ़ंत होती है, तो ऐसे को बोलते क्या बोलते हैं, एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल। मैं हमेशा आपको कम से कम मैंने मुझे जैसा याद है 5-6 बार तो मैंने अब तक करवा ही दिया होगा 2 महीने में यही सेम अलग अलग पेपर्स में। तो आप जान सकते हैं कि ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ वो पेपर में आए हुए हैं और उनकी प्रायोरिटी आपको जानना बहुत ये बहुत जरूरी है, उनको आप सीखो। आगे देखिएगा दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। अब आपको पूछा होल्ड वाटर का, शायद ये मैं पहली बार बता रहा हूँ। होल्ड वाटर का मतलब होता है कि एक लॉजिकली रिलेटेड कोई बातचीत कर रहा है तो उसे बोलते हैं। मतलब उसने बोला कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं दिखता है, मतलब सीम लॉजिकली। तो होल्ड वाटर का मतलब ही क्या होता है, एकदम लॉजिकल तार्किक। आगे देखिएगा कि टू बी डाउन टू अर्थ, यू आर डाउन टू अर्थ। देखिए डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है कि टू बी रियलिस्टिक, यानी कि एक रियलिस्टिक कोई बंदा है, मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम डाउन टू अर्थ है, तो इसे बोलते हैं टू बी रियलिस्टिक, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपको बताना है कि इन द निक ऑफ टाइम, ये थोड़ा एक बहुत ही ज्यादा क्लोज उसने लिख दिया है, वो थोड़ा सा ये लिख रहा है कि इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पर इन लगाया जाता है। एक बार तो ये पूछा गया था कि द निक ऑफ टाइम इससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो ये देखो इन लगता है, एट नहीं लगता। अच्छा दूसरी बात कि इन द निक ऑफ टाइम का मतलब जैसे 12 बजे से पेपर स्टार्ट है और आप 11 बज करके अब 50 मिनट के दरमियान वहां पर आप पहुंच रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, बिल्कुल एन मौके पर आप पहुंच रहे हैं, तो उसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम। क्या बोलते हैं उसे, जस्ट इन टाइम, ठीक है, अंतिम समय पर बोल सकते हैं, सही मौके पर बोल सकते हैं। आ गया ना, ये चार आपको याद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो चारों को आप नोट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने बच्चों के 4 में से 4 सही गए। अगर 1-2 याद नहीं है, गलत कर गए, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ये टेंशन मत लीजिएगा। देखिए एलिमेंट्री, और मेरा पूरा फोकस है उन बच्चों के ऊपर जो बेचारे गांव से पढ़ते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, यार आप ऐसे ही पढ़ो, मन से पढ़ो, रेगुलर पढ़ते रहो, ठीक है, भले ही यूट्यूब से मत पढ़ो आप, लेकिन घर से जो भी बुक्स वगैरह उनसे पढ़ते रहो, ठीक है, टच में रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा। और आप कहते ना कि आप जिसके साथ कोई भी टीचर हो जिससे सीखने में आपको मजा आता है, थोड़ा अच्छा फील होता है, तो उसे आप कभी मत छोड़ो। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, देखिएगा ये एलिमेंट्री एक नया है शायद होगा। देखो एलिमेंट्री का मतलब ये यहाँ पर क्या पूछा है, पहले ये देखो ऑपोजिट पूछ रखा है, तो एलिमेंट्री का तो मतलब वही सरल होता है, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक है। एलिमेंट्री बोलते ना, एलिमेंट्री एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे अब देखो इसका उल्टा आपको बताना, यानी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा जटिल हो, टफ हो, कठिन हो, उसे बोलते हैं, ठीक है, आया नहीं आया, मतलब एक तरह से हार्ड बोल सकते हैं उसे। तो ओवरऑल मतलब ये हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन और एलिमेंट्री का मतलब सरल होता है। आगे देखिएगा, अच्छा ये देखो इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, वही कहीं सम्मिलित होना कहीं पर। एक है कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब जैसे केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, ठीक है, और हार्ड का मतलब तो कठिन होता है। आगे देखो एक्यूमुलेट, ये जल्दी से बताओ एक्यूमुलेट। देखो आप एक एयरमैन बनने जा रहे हैं, आप सेलर बनने जा रहे हैं, आप यू नो जनरल ड्यूटी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ये आप समझिएगा कि आप एक बड़े ओहदे आए, मतलब आप एक कितना अच्छा होता है ना एयरमैन, सेलर कितनी अच्छी पोस्ट होती है आप और हमारे लिए,
तो वो आपके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। जाहिर है कि यदि आप जितना नॉलेज आपके अंदर होगा उतना एटीट्यूड भी आपके अंदर होगा, और वो एटीट्यूड ही बहुत अच्छी चीज़ होती है। नॉलेज है प्लस एटीट्यूड है, मतलब ये बेस्ट बंदा, एकदम उसकी जो पर्सनालिटी होती है ना एकदम डिफरेंट होती है औरों से। वो एक एक ऑफिसर मतलब काबिलियत रखता है वो। एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, और एटीट्यूड कब आता है? नॉलेज से आता है। वो डिपेंड करता है हर इंसान पर, ये वेरी भी करता है। तो देखो एक्यूमुलेट का मतलब मैं बताता हूँ आपको। एक्यूमुलेट का मतलब होता है एक तरह से, क्या बोलते हैं उसे, एक जगह कर देना, मतलब एकत्रित कर देना, इकट्ठा कर देना। एक और इसकी मैं सिनोनियम बता देता हूँ, माउंट अप, वो भी एकत्रित करना होता है। एक है बिल्ड अप, वो भी एकत्रित मतलब इकट्ठा करना, तो उसे एक्यूमुलेट बोलते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स मतलब बिखेरना, इधर उधर कर देना, तो डिस्पर्स इसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखो रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? वही एक तरह से क्या बोलते हैं रेसिस्ट, मतलब फिजिक्स में वर्ड होता है ना ओम, हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध मतलब किसी को स्टॉप करना, रोकना, समझ में आया? रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोज कह सकते हैं, रेफ्यूज टू एक्सेप्ट बोल सकते हैं, डिफाई बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनियम है। लेकिन हम बात करते हैं इसके उल्टे की, तो उल्टा है यील्ड, YIELD। यील्ड का मतलब होता है एक तरह से संपूर्ण करना, ठीक है, कोई भी उसमें बाधा ना हो। आगे देखिएगा, आगे देखिए कॉन्कर, ये मैं आपको देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओ कॉन्कर यहां पर इसका उल्टा क्या हो सकता है। बहुत क्लोज वाला आंसर भी आप यहां पर दे सकते हैं। देखिएगा अब आगे मैं जरा एक बार, ये तो सेम है क्या? हाँ यार, अब ये देखो एक्टिव पैसिव, एक बार मैं इनको दोबारा करवा दूं। देखो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के उल्टे होते। एलिमेंट्री मतलब सरल, बेसिक, सिंपल। कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स इसका एकदम जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना, तो डिस्पर्स का मतलब इधर उधर कर देना। रिसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध, और यील्ड का मतलब जिसमें कोई बाधा ना हो, संपूर्ण। ये मैंने आपसे पूछा है। आगे देखिएगा, अब आपको ये एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब ये देखिएगा, जब भी मैं एक्टिव पैसिव वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सबको पता है कि एयरमैन के पेपर में आता ही आता है, तो ये मैं एक ही तरीका आपको बताता हूँ जो आपको फॉलो करना है, कम टाइम, क्योंकि जायज है ना यार, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है एयरफोर्स का पेपर, टाइम कम मिलता है। तो ऐसे में देखो, जब मैंने इसे पढ़ा था ना, मैं आपको जब मैं बता रहा था तो मैंने सोचा इसे बता दूं। ऑलरेडी ये बना हुआ है पैसिव, इसका हमें एक्टिव बनाना है। आपको अगर टेंस याद है कि चेंज किस में होता है, तो आप 99 एकदम सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। मुझे पता है वॉज थर्ड फॉर्म आ रहा है, वॉज थर्ड फॉर्म ये किस में चेंज होता है पहले ये बताओ। यानी कि अगर आपके एक्टिव सेकंड फॉर्म में बना हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनेट होता है, वही तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। बोलो मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? अच्छा, यानी कि हम क्या करेंगे, कभी भी सेकंड फॉर्म आता है तो उसे हम वॉज वर थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। अगर ऑलरेडी वॉज वर थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इसका मतलब उसे हम सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट में ले जाएंगे। तो एक बात आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस के अंदर हेड थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये तो गलत है, ये पास्ट इंडेफिनेट नहीं है। इज आर एम आई एन जी, ये तो गलत है, हमें तो पास्ट इंडेफिनेट चाहिए। बताइएगा क्या ये इज आर एम है, ये तो गलत है, हमें पास्ट इंडेफिनेट है। तो पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा सेकंड फॉर्म स्टार्ट होता है, देखो सेकंड फॉर्म ही दे रखा है। इसका मतलब मैंने इसे देख करके बना दिया, मैंने आगे पीछे देखा ही नहीं। ये आपको थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना है। आगे देखो पुट अप द टेंट, अब ये समझिएगा पहले कि ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है ना। जैसे कि आप, मैं बता, डू इट, मैं कई बार बताता हूँ उसे, डू इट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसे स्टार्ट करते हैं लेट, फिर इस ऑब्जेक्ट को इट और फिर लगा देते हैं बी ऑफ ए थर्ड फॉर्म, मतलब डू का डन, तो लेट इट बी डन। अब पुट अप द टेंट यानी कि वर्ब के बाद जो प्रेपोजिशन है वो तो साथ में रहेगी हमेशा इसके। अब बचा ये वाला, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब लेट से स्टार्ट करो। तो देखो लेट से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इनमें थोड़ा, ये देखो काफी पास लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होगा। तो मैं इसका क्या बनाऊंगा कि लेट लेट द टेंट, देखो लेट द टेंट बींग, नहीं, बींग वाला तो आएगा ही नहीं। देखो लेट द टेंट बी पुट अप, ये वाला एकदम सही है, ठीक है। थोड़ा सा उसे काफी करीब उसने लिखा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा नहीं देख पाए हो। अब ये देखिएगा, ये इस तरह सा मतलब क्या हुआ ना, जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ हर तरीके से बता रहा हूँ, पूरे सेंटेंस को आगे पीछे से आप जब ट्राई करेंगे समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। अब ये समझिएगा, जैसे ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है,
इस सेंटेंस को आप पहले आप इनको मत देखेगा, आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो और आप एक ही झटके में निकाल देंगे मैंने क्या बोला। हमेशा बोलता हूं मैं आपको, जब भी कभी वन दिख जाए तो मेरे भाई इसका पजेसिव हमेशा आप याद रखना वंस होता है, और यहीं से एरर सबसे ज्यादा बनता है। वन दिख जाए तो उसका पजेसिव देख लेना, ज्यादातर वही एरर बनती है पेपर में आपकी। तो वन का पजेसिव क्या होता है बताओ, वन शुड हैव देयर टीथ, नहीं देयर तो ये पजेसिव है, दे का, वन का पजेसिव होता है वंस, तो इसका मतलब हो गया कि देयर टीथ इस वाले पार्ट में गलती है, तो इसमें गलती वाला ही एरर वाला पार्ट में छांट रहा है। देखो देयर टीथ वाला ऑप्शन ए में आ रहा है, ए वाला गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डीड। एक बात बताइए यहां पर, ये देखिए ये आर्टिकल वाला है कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट की साउंड आ से स्टार्ट हो रही है, जब भी कभी वोवेल से स्टार्ट होती है कोई भी साउंड तो वहां पर हम एन लगा देते हैं, तो ऑनेस्ट से पहले तो एन आता है, इसका मतलब ऑनेस्ट वाले पार्ट में गलती, इसका मतलब ए वाले पार्ट में गलत, यहां पर एन आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हमारे गांव वालों बता दो यार, आप ही तो हमारे भैया हो। अब ये देखो थोड़ा इसे आप ध्यान से पढ़ लेना, अगर गलती होगा तो हम देख लेंगे कि इट इज पेनफुल टू शो, बस आगे बढ़ना ही नहीं है आपको, बस बस दिख गया, हो गया खेल। हमेशा मैंने बताया कि टू के बाद अगर बर्व आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, 99% टू के बाद बर्व की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये वाला ध्यान है ना। तो भाई 100 तो सेकंड फॉर्म है, इसे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, तो यहां पर 100 की जगह सी आना चाहिए। अब हमें आगे मिल गया शुरुआत में, तो टेंशन काहे को लेने का रहे। तो यहां पर देखो 100 वाले पार्ट में गलती है, मतलब 100 वाला पार्ट सी के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। आ गया ना, उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, आप काफी हैप्पी भी होंगे। अब इस पूरे प्रश्न को आप देखेगा, 15 माह है, और इसको पूरे को समझो। देखो भाई, देखो मैंने क्या सोचा जब मैंने इसको पढ़ लिया कि ऑल रिलीजियंस शो अस द पाथ, लास्ट में फिनिश होगा बट द पाथ्स आर डिफरेंट। मैंने ये देखा कि यार ये जो दैट है ये कंजंक्शन है, आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पढ़ा हुआ, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या क्यू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्यू से तो स्टार्ट हो। एक बात बताओ, यानी पी के बाद क्यू वाला ऑप्शन आ ही नहीं सकता, पी के बाद क्यू वाला ऑप्शन आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए अब और देखो और क्या क्या आपकी अप्रोच हो सकती है, ऐसे देखो दिमाग लगाया करो, है ना, तब हो जाएगा आपको। तो मुझे पता यार कि डेट के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो इसका मतलब देखो ये तो सब्जेक्ट है नहीं, एंड वाला, विच वाला, विच कोई सब्जेक्ट थोड़ी होता है, तो कंजंक्शन, खुद डेट कंजंक्शन है तो विच भी कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन साथ में नहीं आ सकते, बट भी एक कंजंक्शन है तो ये भी नहीं आ सकता। मतलब ये मैंने क्लियर कर लिया था कि पी के बाद आएगा आर। अब एक बात बताइएगा, इन सबको पढ़ लो, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिएगा कि ऑल रिलीजियंस शो अस द पाथ, पाथ विच लीड्स टू गॉड, यानी कि हर एक धर्म हमको कुछ ना कुछ रास्ता बताता है जो भगवान तक ले जाता है, जो जो रास्ता हमें दिखाया जाता है वो कहां तक ले जाता है, भगवान के पास तक ले जाता है। एंड वाइज मैन, और एकदम जो वाइज मैन होते हैं, ठीक है ना, बहुत बुद्धि वाले लोग, ठीक है, उनके पास तक ले जाता है। इसका मतलब एस के बाद क्यू आएगा, एस के बाद क्यू आएगा, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, एस के बाद क्यू आएगा और पी के बाद आर आएगा, यानी एस के बाद क्यू, उसके बाद पी और आर, यानी ए वाला एकदम सही हो जाएगा। ऐसे आप देख लिया करो। द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, ये पेपर में आता है इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूं। अब ये देखो मैंने ये पूरा पढ़ लिया और मुझे एक चीज समझ में आई कि यार ये देखो ऑफ एक प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, ये क्लियर है ना, आएगा, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया एक नाउन है। तो ऐसे में इस, अब मैंने सोचा कि एस के बाद क्या आ सकता है, एस के बाद क्या आ सकता है, तो अब जल्दी से आप खुद दिमाग लगाओ कि ये जो मैं बता रहा हूं एस के बाद क्या आ सकता है, आप थोड़ा ट्राई करो, खुद ट्राई करो। देखो मैं थोड़ा सोचता हूं, ऑफ के बाद एक नाउन आएगा, ऐसे याद रखना प्रेपोजिशन है, इसके बाद कुछ को नाउन आता है। अब ये देखिए ऑफ के बाद ये तो वर्ब है, आर तो आएगा नहीं, यानी कि मुझे ये याद है कि एस के बाद आर, मैं जो कह रहा हूं वो आप समझिएगा, ऑफ यानी एस और एस के बाद आर तो नहीं आ सकता, बोलो एस के बाद आर तो नहीं आ सकता, देखो एस के बाद आर आ रहा है, ये नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता एस के बाद आर। अच्छा अब जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शन है बी और सी, अब आप इनको देखो ऐसे ही धीरे धीरे दिमाग लगाना पड़ता है यार। अब देखिएगा एस के बाद आर नहीं आ सकता, तो यानी ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब आगे देखिएगा
कि देखिए ऑफ के बाद नाउन आएगा, मैनी कोई नाउन नहीं है तो इसलिए मतलब पी भी नहीं आएगा, तो मैंने पहचाना एस के बाद पी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी अभी है भी नहीं, आगे देखिएगा कि ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि हैपन टू बिलोंग ऑफ सम ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि लास्ट में एस नहीं आ सकता। जब लास्ट में एस नहीं आ सकता ऐसा क्यों? क्योंकि ये बताओ ऑफ के बाद ऑफ थोड़ी आ सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट में एस नहीं आ सकता, मतलब बी वाला एकदम सही है। आगे बढ़ जाइएगा कि व्हाइल आई वॉज वॉकिंग विद माई ब्रदर आई मेट अ मॉन्क इन द फील्ड हु वॉज फ्रॉम नेपाल। अब ये समझो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन हो सकता है आपको कंफ्यूज भी कर ये सकता है, तो जल्दी से थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। व्हाइल यानी किसी दरमियान, व्हाइल आई वॉज वॉकिंग जब मैं वॉक कर रहा था, व्हाइल आई वॉज वॉकिंग जब मैं वॉक कर रहा था, तो विद माई ब्रोदर ऐसा भी कह सकते हैं यानी जब मैं अपने भाई के साथ वॉक कर रहा था, इन द फील्ड, इन द फील्ड यानी कि फील्ड में भाई के साथ मैं वॉक कर रहा था, आई मेट अ मॉन्क, मैं एक मॉन्क से मिला हु वॉज फ्रॉम नेपाल, यानी कि पी क्यू आर एस वाला ऑप्शन हो सकता है। अच्छा अब आप ये भी तो कह सकते हो सर जी, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं कि व्हाइल आई वॉज वॉकिंग, व्हाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड विद माई ब्रोदर, आप ऐसा भी तो इसे बना सकते हो, तो इसीलिए ए और सी दोनों ही राइट आंसर यहां पर हो सकते हैं। आगे बढ़ जाइएगा, आगे देखिएगा द स्पीडिंग कार अ मैन दिस मॉर्निंग, ये वाले देखो काफी डिफिकल्ट आपको लगेंगे, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम टेंशन मत लीजिएगा। मैं बता दूं पहले सब कुछ याद करना पड़ता है तभी जाके कुछ होता है। देखो द स्पीडिंग कार अ मैन इन द मैन दिस मॉर्निंग यानी इस मॉर्निंग के दरमियान एक बहुत स्पीड से कार आ रही थी और उसने क्या कर दिया, हिट आउट किया, पोस्ट आउट किया। अब इन सब के मतलब पते होंगे तभी आप अर्थ यहां पर राइट सही मतलब मीनिंग जो मीनिंगफुल राइट करेक्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको हिट आउट का मतलब क्या होता है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो हिट आउट है हो सकता है ये वाला ऑप्शन हो, नहीं, हिट आउट का मतलब तो किसी की आलोचना करना होता है, लेकिन स्पीडिंग कार आ रही है तो जायज है कोई एक्सीडेंट वगैरह की बात हो रही है, आलोचना की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। बोलो अच्छा एक देखो पुश आउट का मतलब क्या होता है, भाई आप पुश आउट कर रहे हैं, आपने खूब पढ़ा होगा पुश आउट का मतलब होता है एक तरह से कि धकेल कर बाहर कर देना, स्पीडिंग कार उसने क्या कर दिया पुश आउट अ मैन दिस मॉर्निंग, तो मान लो धकेल करके बाहर किया तो कुछ ना कुछ आता गेट से या कार से, ऐसा नहीं है एक मैन से थोड़ी कर देगा, इसका मतलब सी वाला एकदम सही है, क्योंकि नॉकडाउन ये एक स्पेशल वर्ड है, आप नोट कर लो कि नॉकडाउन का मतलब होता है ठोकर मार करके किसी को साइड में गिरा देना या फिर गिरा देना, इसका मतलब स्पीडिंग कार ने जाहिर से ठोकर मार करके ही गिराया होगा, तो इसीलिए आपका सी वाला एकदम सही है। आप देखिएगा अब ये हिट अबाउट तो मुझे भी याद नहीं, आप थोड़ा देख लीजिए यदि आपको याद है तो हिट अबाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो द टेररिस्ट मेड अ वेन, द टेररिस्ट मेड अ वेन अटेम्प्ट टू द ब्रिज, अब इन चारों को पढ़ लीजिएगा, चारों में से कौन सा वाला राइट आएगा, तो यहां पर ब्लो अप, BLOW ब्लो अप वाला एकदम सही है, मतलब टेररिस्ट मेड अ वेन अटेम्प्ट टू ब्लो अप। अच्छा अब इनके मीनिंग आप देखिएगा ब्लो अप द ब्रिज, इसका देखो ब्लो अप का मतलब क्या होता है कि विस्फोट करके किसी चीज को उड़ा देना, मतलब टेररिस्ट ने भाई साहब ये क्या किया कि अटे कुछ कोशिश किया कि ये जो ब्रिज है इसको उड़ा दिया जाए, तो ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट करके उड़ा देना। अच्छा ये आपने खूब पढ़ा होगा ब्लो डाउन, तो आपने खूब पढ़ा होगा ब्लो डाउन, देखिएगा ब्लो डाउन का मतलब होता है झटका मार करके एकदम झटके से झटका मार कर किसी को गिरा देना, उसे बोलते हैं। एक ऐसे में ब्लो आउट होता है जन्मदिन के टाइम पर क्या होता है फूंक मार करके बुझाते हो ना जो मोमबत्ती कैंडल्स होते हैं उन्हें उसे ब्लो आउट बोलते हैं। एक है ब्लो ओवर मतलब किसी बुरी चीज का कोई कम होना उसे बोलते हैं ब्लो ओवर। तो राइट जो बनता है वो जायज है कि यहां पर ब्लो अप की बात हो रहा है ब्रिज को उड़ाने की बात की जा रही है। आगे देखिएगा कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट ऑफ स्काउंड्रल, अब देखो कि ये देखो इन चारों में से क्या आएगा, पॉलिटिक्स इज द लास्ट क्या रिजल्ट हो सकता है ऑफ स्काउंड्रल, जो 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 लोग होते हैं ना स्काउंड्रल समझ में आया, तो या रिसोर्ट हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, यानी पॉलिटिक्स इज द लास्ट ऑफ स्काउंड्रल यानी जो बदमाश लोग होते हैं उनके लिए क्या। देखो मैं आपको बता दूं ये आपको याद करना है, यहाँ पर रिजॉर्ट वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक फिट बैठता है,
रिजॉर्ट यानी RESORTS, ठीक है, रिजॉर्ट्स वाला ऑप्शन एकदम सही है, रिजॉर्ट्स हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखो लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है अंतिम सहारा, यानी कि जो पॉलिटिक्स होते हैं उनके पास अंतिम सहारा क्या होता है, बदमाशी करना, बदमाश लोगों का ही तो सहारा सहारा होता है, किसी को भी मरवा देते हैं वो, तो लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। एक रिजल्ट का तो मतलब परिणाम होता है। आगे देखिएगा कि टेक केयर योर हेल्थ, ये तो देख करके आपने लगा लिया होगा कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुरुजी ऐसा क्यों आया, वो इसलिए आया मैं आपको बता दूं क्योंकि ये वर्ब है ना टेक, इसके बाद ये जो आया यानी कि वो नाउन है, और ये आपको याद रखना है कि केयर यहाँ पर एक नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए केयर के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। आ गया होगा, उसके बाद रिमेनिंग जो प्रश्न है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, धन्यवाद।